एक ओर जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया 2024 का रण जीतने के लिए रणनीति बनाने में जुटी है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों के बीच ऐसी भी खबरें आ रही है मानो विपक्षी दलों के बीच सब ठीक ठाक नहीं है। सीट शेयरिंग, पीएम फेस समेत ऐसे कई मुद्दे हैं जिससे विपक्षी दलों के बीच खींचतान की सिचुएशन आ गई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद सियासी गलियारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। क्यों नाराज, किससे नाराज, इसे लेकर भी कई तरीके से अटकलें लगाई जा रही है। इस बीच राहुल गांधी ने गुरुवार रात नीतीश कुमार से फोन पर बात की, जिसके बाद तो कई तरीके से सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कयास इसके लगाए जा रहे हैं कि खड़गे का नाम विपक्ष की ओर से पीएम फेस के लिए आगे किया गया है, जिसकी पैरवी की थी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार और लालू यादव इस प्रस्ताव से असहज हो गए थे, दोनों बैठक से जल्दी निकल गए और अंत में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि पीएम पद के लिए मल्लिका अर्जुन खड़गे के नाम के प्रस्ताव की जानकारी नीतीश को नहीं थी। बहरहाल राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की, दोनों के बीच किस मुद्दे पर बात हुई ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जेडीयू सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने विपक्षी एकजुटता के लिए नीतीश कुमार की भूमिका को अहम बताया। वहीं नीतीश और राहुल गांधी की फोन पर हुई बात को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई, साथ ही बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बात होने का भी दावा किया जा रहा है। बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, हालांकि अभी तक सीटों को लेकर फैसला नहीं हो सका है। इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी है, बैठक में ना तो संयोजक के नाम पर मुहर लगी और ना ही पीएम उम्मीदवार के चेहरे पर, और ममता ने जैसे ही खड़गे का दांव खेला गठबंधन में अब गांठ पड़ती दिख रही है। अब देखना होगा राहुल गांधी का नीतीश को फोन करना पीएम फेस पर जारी घमासान को कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है।